इन स्पेस की फंडामेंटल वेक्टर्स टी एन एंड बी देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ इज नोटेड बाई टी डैश एन डैश एंड टी डैश ओके एंड टी डैश इज इक्वल टू कप्पा एन टी डैश इज इक्वल टू माइनस टा एन एंड एन डैश इज इक्वल टू टा बी माइनस कप्पा टी तो इसी को हम लोग आज डिराइव करेंगे क्या डिराइव करेंगे सीरेट फ्रेनेट हार्मोनी तो क्या स्टेटमेंट है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ ऑफ फंडामेंटल वेक्टर्स फंडामेंटल वेक्टर्स मीन्स यूनिट टेंजेंट वेक्टर यूनिट टेंजेंट वेक्टर t unit y normal vector b and unit principal normal vector n is given by first Seret Frenet formula is t dash is equal to kappa n second is b dash is equal to minus ta n and third is n dash is equal to ta b minus kappa t फिर से सुनते हैं हम लोग सीरेट फ्रेनेट फार्मूली क्या होती है यानी t n और b ये फंडामेंटल वेक्टर्स हैं जैसा कि हम जानते हैं t means यूनिट टेंजेंट वेक्टर b means यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर एंड n means यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल सो डेरिवेटिव ऑफ दी वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ s इज t dash equal to kappa n b dash equal to minus ta n dash equal to ta b minus kappa t where kappa क्या है kappa is curvature of the curve वक्र का curvature और ta torsion of the curve तो ये होता है इसका statement okay okay So let C such that R equal to RS be a given curve means this is a curve P any point and this is unit tangent this is normal is nothing but principal normal and this is binormal so first formula we have to show first formula means t dash is equal to kappa n so how we shall prove so we have t is a unit vectors so dot product of t and t equal to 1 because t is a unit vector so we have T is an unit vector means यह एक क्या है tangent है किसी भी curve पर point P T dot T equal to 1
ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, क्योंकि दो सदिशों के बीच का कोण जीरो है, जो टी डॉट टी है कॉस जीरो वन होता है और इसका मापांक वन होता है, तो टी डॉट टी इक्वल टू वन। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ यस, इसको हम लोग यस के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डी टी वाई डी एस डॉट टी प्लस टी डॉट डी टी वाई डी एस इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो, वन का अवकलन जीरो हो गया। अब यहां पर ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो ये हो जाएगा टी डॉट डी टी वाई डी एस इज इक्वल टू जीरो वन, टी डॉट टी डैश इक्वल टू जीरो, इट मीन्स टी इज परपेंडिकुलर टू टी डैश, इंप्लाई टी इज परपेंडिकुलर टी डैश, टी डैश इज नथिंग बट आर डबल डैश, बिकॉज टी इज इक्वल टू डी आर वाई डी एस इक्वल टू आर डबल डैश। आर डबल डैश ऑल्सो वी हैव इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन का समीकरण होता है r माइनस r r डैश r डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, इट मींस r डबल डैश लाइज ऑन द ऑस्किलेटिंग प्लेन, ये होता है ऑस्किलेटिंग प्लेन का समीकरण। r डैश यानी t, r डबल डैश यानी t डैश, तो किस में लाई करते हैं, ऑस्किलेटिंग प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब हो गया R double dash lies on the oscillating plane. अब ध्यान देना है कि जो T है वो R double dash के perpendicular है और R double dash oscillating plane पर lie करता है। इसका मतलब ये है कि जैसा देखिए इसमें ये जो plane है ये प्लेन होता है ऑस्किलेटिंग प्लेन, ये प्लेन है ऑस्किलेटिंग प्लेन, इसे बोलते हैं रेक्टिफाइंग प्लेन, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आर डबल डैश इसमें लाई कर रहा है ऑस्किलेटिंग प्लेन पर और टी की क्या है लंबवत है, इसका मतलब क्या हो गया वो यंग के पैरेलल होगा। R double dash lies on the oscillating plane, R double dash यानी T dash, और ये R double dash T के लंबवत है, it means therefore R double dash parallel to principal arc, R double dash means T dash, that is T dash equal to plus minus kappa n, means T dash जो है n के parallel है, parallel यानी सम kappa क्या है सम proportional the constant, तो T dash is equal to plus minus kappa n, by we take by convention we take positive sign here, by convention we take positive sign,
therefore t dash is equal to kappa n. So this is first selected formula. तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे इसको? हम जानते हैं कि t यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, तो t डॉट t इक्वल टू 1 होगा. a डॉट t इक्वल टू ab cos थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है तो cos 0 1 और मान 1 है तो t डॉट t इक्वल टू 1 इनटू 1 cos 0 यानी 1. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ s, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन dt / ds डॉट t + t डॉट dt / ds इक्वल टू 0. 1 का अवकलन 0 होगा, कांस्टेंट है. यहाँ पर a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, ये दोनों एक ही चीज है. तो t डॉट dt / ds इक्वल टू 0, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इनटू t डॉट dt / ds इक्वल 0, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो t डॉट dt / ds इक्वल टू 0. dt / ds मींस t डैश. यहां से ये समझ में आता है कि t और t डैश आपस में लंबवत है. t and t dot s equal to 0 means t perpendicular to t dash. t dash को ही हम बोलते हैं r double dash. Also we have equation of oscillating plane, ये होता है. और इसमें हम देख रहे हैं r double dash oscillating plane में स्थित है. इसका मतलब ये होता है oscillating plane. तो इसमें t double dash स्थित है और t के लंबवत है. इसका मतलब ये t के लंबवत है, इसी में स्थित, इसका मतलब ये l के पैरेलल होगा. इट मींस t डैश इक्वल टू प्लस माइनस कप्पा n. यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको y कन्वेंशन इसको प्लस साइन लेते हैं. यहाँ पर अभी आगे पढ़ेंगे, वहाँ एक भी माइनस लेते हैं, ठीक है ना. ये यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन में हम लोग क्लॉक वाइज अथवा एंटी क्लॉक. तो यहाँ हम लोग लेते हैं प्लस साइन. तो t डैश इक्वल टू कितना हो गया? कप्पा n. इसे बोलते हैं फर्स्ट फार्मूला. नाउ वी हैव टू शो b डैश इज इक्वल टू माइनस टाय. तो वी हैव b यानी यूनिट बायनॉर्मल वेक्टर इज एंड यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर. चूंकि बी यूनिट बाय नॉर्मल वेक्टर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज बी मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1 एंड बी डॉट बी इक्वल टू 1 मींस differentiating with respect to s, arc length. So dv / ds dot b plus b dot dv / ds is equal to 0. Product of two function dv / ds dot b plus b dot dv / ds equal to 1. So 0 sir. डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिज इक्वल टू 0. ये सब समझ में आ गया. अब यहां पर दोनों सेम चीज है, a डॉट t इक्वल टू b डॉट t. तो ये जगह 2 टाइम्स b डॉट dv / ds इक्वल टू 0. तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है b डॉट dv / ds इज इक्वल टू 0. मींस b डैश इज perpendicular to b implies b dash is perpendicular to b. b dash b के लंबवत है. also we have this is b and this is t. so b and t are also perpendicular. So also we have b dot t equal to 0. Differentiating with respect to s, b
we get v dash dot t plus v dot t dash equal to 0. V dash dot t plus v dot by first form only t dash equal to kappa l. So यहाँ put कर देंगे kappa l. Since t dash is equal to kappa m, divide करते हैं यहाँ पर is equal to 0. Implies v dot v dash dot t plus kappa constant है, scalar है, बाहर आ जाएगा और ये v dot n equal to 0. Since b and n are perpendicular, so b dot n equal to 0. b ये है और n ये है, b dot n equal to 0. ये term 0 हो जाएगा, so b dash dot t equal to 0, since b dot n equal to 0. It means b dash perpendicular to t. तो ध्यान देना है, यहां से मिलता है वन से b dash b के perpendicular है और यहां से मिलता है b dash t के perpendicular है. It means लिखेंगे from 1 and 2. 1 कहता है b dash b के perpendicular है, 2 कहता है b dash t के perpendicular है. इसका मतलब हो जाएगा b dash from 1 and 2 implies b dash lies on the oscillating plane. एक और दो से समझ आ रहा है, b dash b के परपेंडिकुलर है, ये हो गया b, इसके परपेंडिकुलर है और t के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल लॉ होगा. देयरफॉर b dash इज इक्वल टू प्लस माइनस टा n. यहां पर प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं तो बाय कन्वेंशन we take here negative sign. Therefore, b dash equal to minus ta n. What is ta? Ta is torsion of curve. So, this is second harmony. Okay? So, now, we have to show third formula n dash is equal to tau b minus kappa t. So we have t n b, ये unit vector होते हैं, t n and b. और हमने बताया था आपको ये किस प्रकार से i j के होते हैं, उस प्रकार से ये t n और b होते हैं. यानी t क्रॉस n इज इक्वल टू b, n क्रॉस t b इज इक्वल टू t. साइक्लिक क्रम में जैसे क्रम बदल जाएगा तो माइनस साइन हो जाता है. तो ध्यान देना है कि t n b में n इज इक्वल टू b क्रॉस t. By property of this unit vector, these unit vectors means t and b. Differentiating with respect to arc length s,
differentiating with respect to arc length, yes. यस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश लिखते हैं और टी पैरामीटर है उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन को डॉट लिखते हैं। अभी समझाएंगे कुछ फॉर्मूले। तो ये हो जाएगा एन डैश इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो बी डैश क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस टी डैश बाई यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्टेड फॉर्मूले वी हैव बी डैश इक्वल टू माइनस टाइन, सो हियर माइनस टाइन क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस टी डैश फर्स्ट फॉर्मूले टी डैश इक्वल टू कप्पा एन, सो हियर कप्पा एन। तो इनमें हम लोग यूज किए हैं जो हम प्रूव कर चुके हैं फार्मूला फर्स्ट एंड सेकंड, टी डैश इक्वल टू कप्पा एन, बी डैश इक्वल टू माइनस टाइन। चूंकि कप्पा एन टायर स्केलर तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं माइनस टा एन क्रॉस टी प्लस कप्पा बी क्रॉस एन, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये अदिश है, इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। अब एन क्रॉस टी, एन क्रॉस टी क्या हमें ध्यान देना है, देखिए टी एन बी यदि ये चक्र चेंज हो गया यानी एन क्रॉस टी हो गया तो होगा तो बी ही लेकिन नेगेटिव साइन होगा, तो एन क्रॉस टी हो जाएगा माइनस का इनटू माइनस बी प्लस कप्पा बी क्रॉस एन, इसका भी क्रम है तो चेंज हो गया है, बी क्रॉस एन इक्वल टू माइनस टी माइनस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टा बी माइनस कप्पा टी। सो दिस इज थर्ड फॉर्मूली मीन्स एन डैश इक्वल टू टा बी माइनस कप्पा टी। इस प्रकार से सिलेक्ट फील्ड फॉर्मूले में पहला हुआ टी डैश इक्वल टू कप्पा एन, दूसरा हुआ बी डैश इक्वल टू माइनस टाइन और तीसरा हुआ एन डैश इक्वल टू टाबी माइनस कप्पा टी एंड हिस्टोरी।